राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। सोमवार 21 फरवरी को स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। क्या है डोरंडा कोषागार मामला? चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है, लेकिन इसका पता साल 1996 में उस वक्त लगा जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थी। इसके बाद सामने आया कि डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गई। यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। अदालत ने उन्हें भी दोषी करार दिया था, लेकिन बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जगन्नाथ मिश्रा इस मामले में सीधे तौर पर कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चार अन्य मामलों में करीब 21 साल की सजा सुनाई गई थी। इनमें दुमका, देवघर और चाईबासा के दो मामले शामिल थे। चाईबासा का पहला मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था, जिसमें लालू को 5 साल की सजा हुई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख की निकासी के मामले में आरजेडी मुखिया को 3.5 साल की सजा हुई। फिर चाईबासा के दूसरे मामले में 33.13 लाख की अवैध निकासी को लेकर उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। इन सभी मामलों में करीब 1 करोड़ जुर्माना भी भरना पड़ा था। फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। तबीयत ठीक न होने के चलते ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी।